ओके, आपका होनर स्कोर बार बार माइनस हो जाता है क्या? देन आप एकदम सही वीडियो पे कूद के आए हो। देखो, वैसे तो होनर स्कोर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन होनर स्कोर माइनस हो जाता है ना, तो साला हम रैंक मोड नहीं खेल सकते। लाइक 95 से कम हो गया ना, तो हम CS नहीं खेल सकते, एंड 90 से कम हो गया देन हम BR रैंक भी नहीं खेल पाते। इसीलिए हमें होनर स्कोर इंक्रीज करना पड़ता है, वरना होनर स्कोर के रिवॉर्ड पे नाम पे गरेना हमें टट्टी चीजें देता है। ये कोई रिवॉर्ड है क्या? मजाक से हटके, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका होनर स्कोर माइनस क्यों हो जाता है, एंड माइनस हो गया तो ठीक है, लेकिन उसको इंक्रीज कैसे करें। देखो, आपका होनर स्कोर माइनस होने का दो रीजन हो सकता है। पहला, कि आप गेम खेलते टाइम गेम को कट करके निकल जाओगे ना, तो आपका होनर स्कोर माइनस हो सकता है। लाइक स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे हम कट करते हैं ना, उस टाइम यहाँ पे वार्निंग आता है, देखो कि हम गेम से क्यूट कर देंगे ना तो होनर स्कोर पे इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि कभी कभार गेम हम कट करते हैं ना तो होनर स्कोर माइनस नहीं होता। यहाँ पे मैंने गेम को कट किया ना, तो देखो यहाँ पे मुझे 8 का माइनस लगा, यानी कि 8 का माइनस लगा। तो इस तरीके से गेम को कट करके मत निकलो, तो गेम को क्यूट मत करो। अगर आप क्यूट कर दोगे ना तो आपका होनर स्कोर माइनस हो सकता है। एंड दूसरा रीजन, कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा ना, तो कोई भी एनिमी आपको रिपोर्ट मारेगा ना, तो उस रिपोर्ट को गरेना कन्फर्म करेगा ना सिस्टम से, तो आपका होनर स्कोर माइनस हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा देन कोई भी एनिमी आपको रिपोर्ट करेगा ना, तो सिस्टम से रिपोर्ट कन्फर्म होगा ना, तो आपका होनर स्कोर माइनस होगा। देखो यहाँ पे इस बंदे ने मुझे रिपोर्ट मारा है, देन देखो वो रिपोर्ट कंफर्म हुआ ना, तो देखो यहाँ पे मेरा होनर स्कोर हुआ माइनस। तो इस तरीके से आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा देन आपका टीममेट भी आपको रिपोर्ट कर सकता है। लाइक आप अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दोगे, या फिर आप अपने टीममेट को गालियां बकोगे ना, तो वो आपको रिपोर्ट मारेगी, एंड रिपोर्ट कंफर्म होगा देन आपका होनर स्कोर होगा माइनस। तो हो सके तब तक टीममेट से लड़ाई मत करो, और एनिमी को मार के उसको इमोट भी मत दिखाओ। ये बिहेवियर देख के एनिमी आपको रिपोर्ट मारेगा। तो गरेना कहना ये चाहता है कि गेम खेलते टाइम आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपका होनर स्कोर माइनस हो सकता है। तो अब बात आती है कि होनर स्कोर को इंक्रीज कैसे करें। देखो, गरेना यहाँ पे साफ साफ कहता है कि आप अच्छे बिहेवियर से प्रॉपरली गेम खेलोगे ना, तो आपका होनर स्कोर ऑटोमेटिकली प्लस होगा। लाइक देखो, यहाँ पे मेरा होनर स्कोर माइनस है ना, और लाइव में देखो यहाँ पे मैंने लोन वॉल्फ को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रैंक मोड को यहाँ पे मैं नहीं खेल पा रहा था, इसलिए मैंने सिंपल सा लोन वॉल्फ खेला। एंड देखो, मैं लोन वॉल्फ में हार के आ गया ना, फिर भी देखो यहाँ पे होनर स्कोर प्लस हुआ, एंड आपका होनर स्कोर एक एक करके प्लस होगा, डायरेक्टली 10 या फिर 15 करके प्लस नहीं होगा, एक गेम में एक होनर स्कोर प्लस होगा, ये मत भूलना। एंड वो भी प्रॉपरली अच्छे बिहेवियर से खेलना। प्रॉपरली गेम खेलोगे देन आपका होनर स्कोर ऑटोमेटिकली प्लस होगा। गेम हारोगे या फिर जीतोगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अच्छे बिहेवियर से खेलोगे ना तो आपका होनर स्कोर प्लस होगा। ज्यादा होनर स्कोर माइनस हो जाता है ना, तो आप रैंक मोड नहीं खेल सकते। तो आप क्लासिक तो खेल सकते हो, क्लासिक या फिर लोन वॉल्फ, ये दोनों में से एक आध खेल के आप अपना होनर स्कोर को प्लस कर सकते हो। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कि आप एक दिन में 5 होनर स्कोर को ही प्लस कर सकते हो, आप एक दिन में इतना ही प्लस पॉइंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप एक दिन में 5 प्लस पॉइंट ही कर सकते हो। लाइक मान लो कि आपका 10 होनर स्कोर माइनस हो गया ना, तो आप एक दिन में 5 होनर स्कोर को प्लस कर सकते हो। इस तरीके से आपको 2 दिन लगेगा, तो आप एक दिन में 5 ही होनर स्कोर को प्लस कर सकते हो, ये चीज को ख्याल रखना। उम्मीद करता कि होनर स्कोर से लेकर आपके दिमाग के डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो चलो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।